गुड मॉर्निंग आर यू फाइन गुड। कल बोला था कि टेंथ से रिलेटेड कुछ रिविजन होंगे, रिविजन मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर देने हैं। आप लोग तैयार हैं सभी बच्चे? ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस, ओके, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, वह खाता है, ही इट्स, ओके, इट्स क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वेरी गुड। हम लोग किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक, ओके। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? ओके, योर आंसर इज हाँ, यस आई डू। क्या वह तुम्हारे घर आता है? Then she come to a home. Your answer is हाँ, वह कभी कभी आता है। Yes, he comes sometimes. Very good. क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? Do other friends also come to you? Your answer is हाँ, वे भी आते हैं। Yes, they do. Okay. क्या तुम भागलपुर में रहते हो? इन भागलपुर? आई आंसर इज नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता, वेरी गुड। अभी सेंटेंस है, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, ओके, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड, वेरी गुड। राम और श्याम भागलपुर से आ रहे हैं, राम एंड श्याम आर कमिंग फ्रॉम भागलपुर, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? योर आंसर इज हाँ, मुझे यही बुक चाहिए। यस दिस इज इट, यस दिस इज इट, वेरी गुड। क्या वो फिल्म देख रहा है? इज ही वॉचिंग अ, क्या वो फिल्म देख रहा है? इज ही वॉचिंग अ मूवी? योर आंसर इज नहीं, वो वीडियो गेम खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? अब का नाउ, ओके, योर आंसर इज नहीं, नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? योर आंसर इज नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज द बिजनेस मैन, ही इज अ बिजनेस मैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? वेरी गुड। इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? योर आंसर इज हाँ, वह IAS की तैयारी कर रहा है, वेरी गुड। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन, क्या तुमने उसको कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू हिम? योर आंसर इज हाँ,
यस आई हैव। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज ही रिप्लाइड टू योर लेटर? योर आंसर इज नहीं। नो सी हैज नॉट। ओके, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील? योर आंसर इज नहीं। मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो आई हैड अ वेरी आई हैव अ सॉरी नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? योर आंसर इज नहीं, अभी मुझको जाना है। नो आई हैड येट टू गो, पता है ना? नो आई हैड येट टू गो। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? अब कैंसर, यह किताब पढ़ रहा हूं। I have been reading this book। क्या कल से यहां पर बरसात हो रही है? Has it been raining here also since yesterday? कल से, since yesterday। अब कैंसर है, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। Yes, it has been, but not continuously। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? Your answer is नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। No, it has been boiling only for a little time। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। We have been living in this house for 10 years। वह पिछली जनवरी से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project in morning। He has been working on a new project in morning। Okay। सिंपल पास। क्या तुम कल जल्दी उठे? Did you get up early yesterday? Your answer is जी हाँ। Yes I did। क्या तुमने कल रोटी खाया? Did you have bread yesterday? Your answer is जी हाँ खाया। Yes I did। क्या वो तुम्हारे पास दोपहर को आया? Did he come to you? Did he come to you? Your answer is नहीं। No he did not। क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? Did you write this essay at night? Your answer is मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। No, I didn't, my brother did। Okay। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? Did you learn your lesson yesterday? Your answer is नहीं, मैंने नहीं किया। No, I did not। Okay, अब आते हैं फास्ट कंटिन्यूअस पे। मैं खाना खा रहा था। I was eating food। क्या तुम कल बाजार गए थे? Were you out shopping yesterday? क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? Were you not reading a book while walking? क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? Was Rama also reading while walking? क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? Were you reading a newspaper? ओके, अब आते हैं पांच परफेक्ट टेंस पे। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? Had you not gone to the cinema? क्या वो दुकान बंद कर चुका था? Had you closed the shop? क्या तुम रोहित से नहीं मिल चुके थे? Had you not met रोहित? क्या तुम्हारे ससुर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? Had the train gone or left the station before you reached the station? ओके, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? Had your mother gone to market before you reached home? ओके, पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या तुम कल पिछले दो घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been reading for the last 2 hours? ओके, क्या तुम कल
दो घंटे से नहीं पढ़ रहे थे. हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर लास्ट टू आवर्स. ओके गणेश जी, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा था. आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. ओके, मैं दो वर्षों से यह काम कर रहा था. आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर टू इयर्स. ओके, ये था आपका प्रेजेंट और पास्ट का. अब एक मिनट में थोड़ा सा फ्यूचर का भी कर लेते हैं. क्या तुम खेलोगे? विनियो, क्या तुम कल आओगे? विनियो कम तुम्हारो. क्या तुम रात को यहां ठहरोगे? विनियो है टुनाइट. क्या तुम शुक्रवार को उससे मिलोगे? विनियो सी ही ऑन फ्राइडे. ओके, क्या तुम कल इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे? Will you be in this train, in the train, at this time, tomorrow? फ्यूचर की बात कर रहे हैं. ओके, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शुड नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम. फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है, ध्यान दीजिएगा. क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन. चलिए, आपको प्रेजेंट और पास्ट तो याद है, आपने रिवाइज किया. फ्यूचर आपने नहीं किया है. कल आप लोग को फ्यूचर के अंतर पूरे रिवाइज करके आना है. थैंक यू.